एक गांव जहां पसरा है मौत का सन्नाटा। कुछ भी नहीं थी वो दिन, में ड्यूटी करके आए थे, रात को 12-15 पे दर्द उठा था। अच्छा। और लेके भी गए तभी 15-20 मिनट में। एक गांव जहां फैली है एक रहस्य की चादर। जी उल्टी आई थी और छाती में दर्द हुआ था, हॉस्पिटल तक ले जाने लगे तो रास्ते में ही एक्सपायर हो गए। एक गांव जहां मौत दे रही है बार बार दस्तक। खत्म होने से पहले दूसरा मर जाता है। अच्छा। उससे होने से पहले दूसरा बच्चा मर जाता है। एक गांव जहां पिछले 3 महीने में हो चुकी हैं 17 मौत। पिछले 4 महीने में थोड़ी ज्यादा 17 डेथ हुई है, थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी ही ज्यादा है, तो इसके बारे में हम पूरी हमारी टीम और भी डेथ में जांच करेगी। एक गांव जहां फैली है एक अजीब सी दहशत। जब से ये पीपल के पेड़ के नीचे अस्थियां दबाई गई है हमारे गांव में, एक हफ्ते के बाद मौतों का सिलसिला जारी हो गया। एक गांव जो जकड़ा है एक साए के खौफ में। सपने में मांगती है कुछ दूध दे दो और कुछ दे दो, बस जब ये अपने दूसरे दिन मौत हो जाती। तो हुजूर क्या ये सच है कि भूत प्रेत होते हैं? ये लोग जो कुछ कह रहे हैं क्या वो सब कुछ सच है? दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर ये गांव है, और अगर हम मिलेनियम सिटी से बात करें यानी कि गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव से, तो महज 8 किलोमीटर दूर पड़ता है ये गांव। यहां के लोग कह रहे हैं कि उनके गांव पर यमराज का साया है। गांव में मातम पसरा हुआ है, एक घर से अभी आंसू सूख भी नहीं पाते हैं कि दूसरे घर से अर्थी उठ जाती है। गांव में चारों तरफ डर का मातम का माहौल है। अब आप इसे इत्तफाक कहेंगे या किसी रूहानी ताकत का असर? नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी, क्रिमिनल संडे स्पेशल में आपका आज स्वागत है। यही वो गांव है जहां रहने वाले ज्यादातर लोग पिछले 3 महीने से एक शय के खौफ में जी रहे हैं, और वो शय है गांव में रहने वाली एक बुढ़िया की आत्मा। गांव वालों का मानना है कि इस बुढ़िया की आत्मा की वजह से ही गांव में एक तो नहीं बल्कि 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। और जब IBN 7 को इस बात की खबर मिली तो हमारी टीम इसकी तस्दीक और तहकीकात करने के लिए गुरुग्राम के धनकोट गांव पहुंच गए। हमारे संवाददाता रवि सिंह जब धनकोट गांव पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि गांव के रास्ते और गलियां दिन में भी सूने और सुनसान थे। हम भी इस बात की तफ्तीश करना चाहते थे कि जिस खौफ की बात गांव वाले कर रहे हैं आखिर उसकी सच्चाई है क्या। दिल्ली से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव जहां पर महज 4 महीने में 30 लोगों की मौतें हुई हैं। गांव दहशत में है और हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर नौजवानों की मौतें क्यों हो रही हैं। हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए पहुंचे हैं गुरुग्राम के धनकोट गांव। गांव में पहुंचते ही हमारे कैमरे ने जो देखा वो नजरों का धोखा नहीं था। हरियाणा के इस छोटे से गांव के लोगों के चेहरों से खुशियां नदारद थी और उनके चेहरों पर मायूसी और खौफ साफ नजर आ रहा था। हम भी धनकोट गांव की गलियों की खाक छानते हुए अपने सवालों के जवाबों की तलाश में गांव में ही रहने वाले नथुराम के घर पहुंच गए। हमारी टीम जब नथुराम के घर पहुंची तो वहां अजीब सा मातम छाया था। नथुराम का पूरा परिवार गम सदा था और घर के हर सदस्य की आंखों में आंसू तैर रहे थे। दरअसल उनके परिवार में एक मौत हुई है उनके बेटे महेश की। बहू नीलम देवी का सुहाग छिन चुका है। अब 30 की उम्र में 5 साल के बच्चे के साथ पूरी जिंदगी यूं ही गम और तन्हाई में गुजारनी है। पति महेश कुमार की महज 37 साल की उम्र में अचानक मौत हो गई। इसी साल 17 फरवरी को महेश की मौत हुई है। घर वालों की माने तो महेश अच्छे खासे थे, लेकिन अचानक सीने में मामूली सी शिकायत हुई।
और फिर वो मौत की आगोश में चले गए। कुछ भी नहीं थी वो दिन, में ड्यूटी करके आए थे, रात को 12-15 पे दर्द उठा था। अच्छा। और लेके भी गए तभी 15-20 मिनट में, पहले कभी नहीं आया, पहली बार। नथुराम के घर के बाद हमारी टीम उन्हीं के पड़ोसी भूप सिंह के घर जा पहुंची। भूप सिंह भी अब इस दुनिया में नहीं है, उन पर भी मानो यमराज का काला साया पड़ गया था। 28 की उम्र में भूप सिंह की मौत हो गई। अब 22 साल की उनकी पत्नी रूपा की जिंदगी तन्हा है। यहां पर भी वही शिकायत जो महेश के परिवार ने की थी। भूप सिंह के भी सीने में दर्द उठा और वो मौत की आगोश में चला गया। भूप सिंह की पत्नी रूपा अपने शौहर की मौत की वजह से सदमे में है, लिहाजा उसकी जेठानी सुमित्रा ने हमारी टीम को पूरा माजरा बताया। उसको जी उल्टी आई थी और छाती में दर्द हुआ था, हॉस्पिटल तक ले जाने लगे तो रास्ते में ही एक्सपायर हो गए, और बस डॉक्टरों से क्या वो करे, फिर जाने नहीं पाए तो रास्ते में वो हो गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे हमारी टीम की हैरानगी और भी बढ़ती जा रही थी। गांव वालों से बात करने पर पता चला कि महेश कुमार और भूप सिंह की तरह गांव के 2 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 4 महीने में मौत के आगोश में जा चुके हैं। 40 साल के महिपाल तेवतिया इसी साल 13 अप्रैल को मौत के शिकार हुए। उनके घर में हमें कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो हमें उनकी रहस्यमयी मौत की वजह बता पाता, लेकिन गांव के लोगों की जुबान पर यह जुमला जरूर चढ़ा था कि न जाने क्या हो गया है इस गांव को कि एक घर में मातम के आंसू सूखते नहीं कि दूसरे घर का नंबर आ जाता है। धनकोट गांव के लोग नौजवानों की मौत के बारे में एक अजीब सी दलील देते हैं। हमारी टीम ने जब गांव के लोगों से पूछा कि आखिर इन रहस्यमय मौतों के पीछे राज क्या है, रहस्य क्या है, तो जो उन्होंने जवाब दिया उस जवाब को सुनकर हैरान रह जाएंगे। उनका कहना है कि गांव में एक भटकती हुई आत्मा है जो अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रही है, और जब तक ये आत्मा शांत नहीं होती तब तक गांव में बदस्तूर यूं ही मौतों का सिलसिला जारी रहेगा। जब हमने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए गांव के लोगों से बात की तो वो कुछ फूल की बात करने लगे। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि वो कौन से फूलों की बात कर रहे हैं, और वो ऐसा कौन सा फूल है जिसके जमीन में दबाने से लोगों की मौत हो जाती है। इस राज पर पड़े पर्दे को उठाने के लिए हमारी टीम ने इस मामले पर और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस बीच गांव के लोग हमें उस जगह लेकर पहुंचे जहां से लोग हो रही मौतों के साथ कनेक्शन जोड़ रहे हैं। इस पेड़ के नीचे वो राज दफन है जिसकी वजह से गांव में इतनी मौतें हो चुकी हैं। बोलती थी बुढ़िया कि मेरे जो लड़के हैं पता नहीं मुझे गंगा जी पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, कहाँ डालेंगे कहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि जो हिंदू जो है मानता है उसके अंदर फूल को गंगा जी पहुंचाया जाता है, और इन्होंने हमारे गाँव के अंदर ही यहीं पे वो कर दिया। दरअसल गांव के राकेश कुमार उस बुजुर्ग महिला की बात कर रहे हैं जिसकी मौत इसी साल की शुरुआत में हुई थी। हालांकि महिला के घर वालों ने हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक उनका दाह संस्कार किया, लेकिन फिर उनकी अस्थियां नदी में प्रवाहित करने की बजाय यहां इस जगह पर दफना दी और उस पर पीपल का एक पेड़ लगा दिया। लेकिन अब गाँव में इतनी मौत देखने के बाद गांव वाले ये मान बैठे हैं कि उस महिला के अंतिम संस्कार की एक रस्म पूरी ना होने की वजह से उसकी आत्मा भटक रही है और वो गांव वालों को तंग कर रही है। लोगों का कहना है कि मरने से पहले ही महिला लोगों से कहती थी कि पता नहीं उसके 6 बच्चे उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित करेंगे या नहीं। लोगों का मानना है कि इच्छाएं पूरी ना होने की वजह से ही वो गाँव के लोगों की मौत की वजह बन रही है। गांव वालों के मुताबिक इसी पीपल के पेड़ के नीचे उस बुजुर्ग महिला की अस्थियां दबाई गई हैं। गांव वाले सवाल उठा रहे हैं कि जब मरने के बाद हिंदू मान्यता में अस्थियां नदी में प्रवाहित की जाती हैं, तो उस बुजुर्ग महिला के घर वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया। गांव में हो रही नौजवानों की मौत को गांव वाले इस जगह से संबंध जोड़ रहे हैं। गांव का वो पीपल का पेड़ और उसके नीचे दफन उस बुजुर्ग महिला की अस्थियां, सुनने में यह सब कुछ वहम लगता है, लेकिन फिर उस सच का क्या?
जिसकी तफ्तीश करने हमारी टीम गई थी। जी हाँ, वो राज जिसमें पिछले 3 महीने में 17 या उससे भी ज्यादा मौतें हुई। आखिर तफ्तीश में क्या निकल के आया, वो राज क्या है, सच्चाई क्या है, हम आपको बताएंगे। विज्ञान किसी भूत प्रेत या आत्मा के चक्कर को नहीं मानता, वो इस बात को नकारता है कि कोई शय होती है और उसका कोई वजूद होता है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि वो गांव का पीपल का पेड़ और उसके नीचे दफन उस बुजुर्ग महिला की अस्थियां असल कारण है गांव में हो रही मौतों का। गांव की महिलाओं का तो यहां तक कहना है कि वो बुजुर्ग महिला उन्हें सपने में दिखाई देती है, उसकी आत्मा गांव में भटक रही है और इसी वजह से गांव वालों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारी तफ्तीश के दौरान हमारी टीम को इन मौतों के पीछे इसी से जुड़ी एक और कहानी पता चली। हमारी टीम को गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं मिली। उनका कहना था कि वो बुजुर्ग महिला मरने के बाद लोगों के सपनों में आती है, कुछ खाने या पीने को मांगती है। गांव के लोगों का कहना है कि जिस किसी के भी सपने में वो दिखी और उसे डर लगा, उसके दूसरे या तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। किसी को सपना में दिखती है तो आज सपने में दिखी, दूसरे दिन मौत हो जाती है। सपने में मांगती है कुछ दूध दे दो और कुछ दे दो, बस जब ये अपने दूसरे दिन मौत हो जाती है। गांव के नुक्कड़ पर हुक्का पीते गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स रामचंद्र परेशान है। रामचंद्र 91 साल के हो चुके हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर जब गांव की गलियों में नौजवानों की अर्थी जाते देखते हैं तो उसकी टीस सीधे उनके दिल में लगती है। उनका कहना है कि ना जाने क्या हो गया है इस गांव को, जिसको दुनिया से जाना चाहिए वो हमारे जैसा बचा है और कच्ची उम्र के बच्चों की मौत हो रही है। खत्म होने से पहले दूसरा मर जाता है, उससे होने से पहले दूसरा बच्चा मर जाता है। एक साल न मरिया है तो दूसरा मर गया, फिर तीसरा मर गया, ऐसे तीन तीन भी 24 घंटे में तीन तीन लाश डाली है। लोगों की दलीलें सुनने के बाद हमारी टीम सीधे उस बुजुर्ग महिला के परिवार वालों से बात करने के लिए जाने लगी, लेकिन गांव के लोग उस घर में जाने के लिए तैयार नहीं थे। डर था कि कहीं किसी से झगड़ा ना हो जाए, लिहाजा हमारी टीम ने उनसे बात करने के लिए अकेले ही जाने का फैसला किया। उस बुजुर्ग महिला के 6 बेटों में से हमारी मुलाकात उनके 2 बेटों से हुई। बेटे सुरेश कुमार तक गांव में उनके घर के बारे में चल रही बातें पहुंच चुकी थी। सुरेश का कहना है कि लोग उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन उनकी पीठ पीछे अफवाह फैला रहे हैं। सुरेश कुमार के मुताबिक उनके परिवार ने कुछ वक्त पहले बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसी के मुताबिक उन्होंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। लोगों का देह कुछ और है, पर्सनली ये ईगो है, जो आदमी बोलते हैं ना उनसे पर्सनली कोई है तीस जो इस चीज को लेकर चल रहे हैं ना, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और पूरा गांव ही नहीं बोल रहा, 2-3 आदमी हैं जो बोलते हैं, बाकी और कोई नहीं बोलता। गांव में हो रही लगातार मौतों की सच्चाई का पता लगाने के लिए हम गुरुग्राम प्रशासन के पास भी गए। वहां जाकर हमारी टीम को पता चला कि कुछ हफ्ते पहले गांव वालों की शिकायत पर एक जांच टीम धनकोट गांव भेजी गई थी और चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक उनकी टीम ने गांव में कई तरह की जांच की, लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है जिसे वो धनकोट गांव में हो रही मौतों की वजह बता पाए। पिछले 4 महीने में थोड़ी ज्यादा 17 डेथ हुई है, थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी ही ज्यादा है, तो इसके बारे में हम पूरी हमारी टीम और भी डेथ में जांच करेगी। उसमें लाइफस्टाइल डिजीज टाइप हमें लगी, ना कि इसके लिए कोई अन्य कारण जो है जो एकदम जो जहरीले टाइप या कुछ इस टाइप के हों वो सामने नहीं है। इन अनहोनी घटनाओं के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। तर्कशास्त्री विकास नौटियाल के मुताबिक 4 महीने पहले गांव में शादी हुई हो जिसमें लोगों ने कुछ ऐसा खाया हो जिससे आकस्मिक मौतें हो रही हैं। उनका मानना है कि गांव के पानी की भी जांच कराई जानी चाहिए। इन मौतों के पीछे अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, हो सकता है कि मरने वाले लोगों को नशे की लत हो। ये पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावना है कि एक गांव में या कुंभ में कुछ लोग मरने लग जाएं कुछ एज के, इसके कारण है, पहले भी हुआ है, पर इसको फिर धर्म या आस्था से जोड़ना गलत होगा। इस बीच गांव वालों ने
गांव में हो रही मौतों पर एक पंचायत भी बुलाई। दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के एक धनकोट गांव में एक अजीबोगरीब मुद्दे पर पंचायत हुई और जिसमें कुछ फैसले लिए गए। हमारे साथ में गांव के लोग हैं और वो लोग भी हैं जो उस पंचायत में शरीक हुए थे। जी बताइए कि पंचायत किस मुद्दे पर हुई थी और क्या फैसला हुआ था? ये एक बुढ़िया गुजरी थी जी, उस मुद्दे पर पंचायत हुई थी। उसके फूल गंगा जी ना भेजने के कारण यहाँ से फूल चुपकने और हडवारी में वे फूल दबा दिए गए पशुओं के हडवारी में। अच्छा, और पंचायत हुई, पंचायत ने ये फैसला लिया कि भाई ये फूल यहाँ से निकाल कर या तो गंगा जी भेजो या इनको दूसरी जगह शमशान के अंदर। इन लोगों ने मना कर दिया, फूल जहाँ घट गए वहाँ घट गए, हम उखाड़ नहीं सकते। तकरीबन 32-33 मौतें हुई हैं। अच्छा, हाँ जी। और पंचायत में फैसला हो चुका था अगर भाई इनको फूलों को जो है गंगा जी भेज दो, उस टाइम तो हाँ भरली बात मनाट जाते हैं। गांव वाले इस अनहोनी के बारे में जो मर्जी दलील दे, लेकिन एक बात सच है कि इस गांव में लगातार मौतें हो रही हैं। लेकिन उन मौतों के पीछे का राज क्या है ये कोई नहीं बता पा रहा है। गांव वालों की मान्यताओं को अगर सिरे से खारिज कर दिया जाए तो ये जांच का विषय है कि आखिर वो क्या वजह है कि इस गांव के नौजवान एक जैसी शिकायतों के बाद मौत का शिकार हो रहे हैं। धनकोट गांव में मौतों का सिलसिला बदस्तूर कायम है। गांव वालों के तर्क को न तो साइंस मानता है और ना ही प्रशासन। लेकिन गांव में मौत क्यों हो रही है, इसके पीछे का तर्क क्या है, कोई नहीं जानता। लिहाजा धनकोट गांव डर के साए में जिंदा है। जब तक ये साया नहीं हटता या यूं कहें कि राज से पर्दा नहीं हटता, तब तक धनकोट गांव इसी डर में जिंदा रहेगा। हमारी गुरुग्राम प्रशासन और हरियाणा सरकार से अपील है कि वो उस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाएं या धनकोट गांव के डर या वहम को दूर करें, जिससे धनकोट गांव में खुशियां एक बार फिर से लौट सके। आज अभी बस सिर्फ इतना। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। आप बने रहिए, देखते रहिए IPN 7।